हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एचएलई ग्लास कॉस्ट शेयर के बारे में वीडियो। इस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ, हमने एक संकल्प लिया है, जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो हम कुछ गरीब लोगों के लिए, जो पहला पेमेंट आने वाला है उससे कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं शेयर अभी जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ से एक रिकवरी दी है शेयर ने, ये वाला यहाँ लो बनाया, सपोर्ट बनाया, इसका सपोर्ट लिया। ये था 29 मार्च को इसने लो बनाया 465 रुपए का। उसके बाद शेयर ने एक रिकवरी दिखाई और अभी जो है अप ट्रेंड में ही शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, अभी इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया, लेकिन अभी शेयर ने खास वो नहीं दिखाया। तो एक ये ट्रेंड लाइन हो सकता है, यहाँ से फिर से रिकवरी ले, लेकिन इधर एक सपोर्ट देखे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस था, उसको शेयर ने ब्रेक किया। एक लाइन ले लेता ये वाला, एक ये रेजिस्टेंस फेस किया था, इस शेयर ने इसको ब्रेक कर दिया है। अभी क्या है, अभी एक शेयर एक सपोर्ट है ये वाला। जब तक शेयर इस सपोर्ट को ना तोड़ दे, तब तक अगर आपने खरीदारी की है तब तक इसको ना बेचे। तो अभी शेयर एक सपोर्ट ले रहा है, एक सपोर्ट ये भी आप देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट है, छोटा एक सपोर्ट ये था जो मैंने आपको भी दिखाया था। यहाँ पे भी शेयर काफी दिन रुका है, तो अभी शेयर रुका हुआ है, डबल सपोर्ट है। तो अभी मुझे नहीं लगता शेयर नीचे जाने वाला है, तो अभी आप इसमें खरीदारी करें। और मेरे विचार से आप यहाँ टारगेट आप लगभग ये 703 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें। और दूसरा टारगेट होगा आपके लिए, दूसरा टारगेट 764 होगा और फिर 800 होगा। तो अभी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा शेयर कंसोलिडेशन फेस में इसमें खरीदारी करें। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और आप किस टाइप की वीडियो हमसे चाहते हैं, उस टाइप से आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उस तरह की आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ से अनेक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, वहीं से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, नेकलाइन को काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था। और मेरे विचार से फिर से इसमें अभी ऐसी ही तरह से ये जो लंबी वाली आप कैंडल देख पा रहे हैं, इस तरह का ब्रेकआउट मिलने वाला है। मुझे लगता है उसी कैंडल से ये डायरेक्ट अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो अभी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपके लिए सभी को राधे राधे, राम राम।